और इस वक्त राजधानी जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राजधानी जयपुर के प्रताप नगर में राधिका अपार्टमेंट एक बिल्डिंग का नाम बताया जा रहा है, जहां मां और बेटे छत से कूद पड़े। माफ कीजिएगा, बाप बेटे छत से इस दौरान कूद पड़े। बेटे की मौके पर ही इस हादसे में भी हो गई। प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बेहद ही दिल दहलाने वाली घटना, बाप और बेटे एक साथ राधिका अपार्टमेंट राजधानी जयपुर के प्रताप नगर का ये एरिया बताया, जहां छत पर से कूद गए। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो चुकी है। प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि फिलहाल तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस तफ्तीश में फिलहाल जुटी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, क्या ये पूरा वाक्य रहा, कितने बजे की घटना रही, और बताया जा रहा है कि बाप और बेटे इस दौरान छत से कूद पड़े, बेटे की यहाँ पर मौके पर ही मौत। फिलहाल क्या इसके अलावा जो अन्य आदमी था उसकी क्या हालत है? देखिए, बिल्कुल प्रताप नगर की ये पूरी घटना है, और आज अभी जस्ट कुछ देर पहले की, आधा घंटे पहले की घटना है, मैं 30 मिनट पहले की घटना है, जब यहाँ पर एक अपार्टमेंट के अंदर जब दोनों बाप बेटे थे जो ऊपर थे, और अचानक से जो उसकी तो यहाँ पर मौके पे ही मौत हो गई, इसने दम तोड़ दिया, मगर जो जो पिता है उसके यहाँ पर सांसें चल रही थी। उसके बाद जो पुलिस ने तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस की टीम को बुलाया, चूंकि इस समय जो कोरोना का जो वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, उसके चलते यहाँ पर पुलिस लगातार अलर्ट है, उसके चलते तुरंत एम्बुलेंस पहुंची महज 5 मिनट के भीतर। और उसके बाद जो युवक था, जिसको जो पिता था, उसको यहाँ से जो महात्मा गांधी जो अस्पताल है वहां पर भिजवाया गया। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर सामने निकल के आई है, जो युवक का जो नाम है वो रमेश चंद अग्रवाल है, और आमेर इलाके का रहने वाला था वो जो, लेकिन उसका काफी समय से यहाँ पर इलाज चल रहा था, मेंटली रूप से डिस्टर्ब बताया जा रहा है। जो प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई है पुलिस की, उस जांच पड़ताल के दौरान ये बात सामने आई कि उसका मेंटली रूप से काफी समय से इलाज चल रहा था, लेकिन मुख्य जो वजह है कि आत्महत्या करने की, वो वजह अभी तक सामने निकल कर नहीं आई। क्योंकि अगर मेंटली रूप से खुद रमेश चंद गुप्ता अगर यहाँ पर बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, तो बेटे ने क्यों उसके साथ में कूदा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि दोनों ने कूद करके अचानक से पूरी बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या की, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जो रमेश चंद गुप्ता है उसका यहाँ पर इलाज चल रहा है, और फिलहाल जब उसको कुछ होश आएगा तो उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी कि आखिरकार मुख्य वजह क्या थी कि दोनों बाप बेटों को यहां पर कूदना पड़ा है। एक यहां पर अहम बात, और हमारे पास अभी अभी सूचना आई है कि जो पुलिस के जो अधिकारी, उनका कहना है कि जो बेटा था ये इसका जो सन इन लॉ बताया जा रहा है, ये तो ये सब चीजें जांच होगी कि कनेक्शन क्या रहा है इनके बीच में, कि वाकई में कि दोनों का बाप बेटे का रिश्ता था, या फिर ये सन इन लॉ थे या फादर इन लॉ थे, इन सब चीजों को लेकर के पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी, और उसके बाद काफी चीजें निकल करके सामने आएगी, तब कहा जाएगा कि आखिरकार मुख्य वजह क्या रही है यहाँ पर। बिल्कुल जी 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 जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद यादवेंद्र। आपको फिर से बता दें, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर ये घटना बताई जा रही है, प्रताप नगर इलाके की, जहां पर एक बाप और बेटा राधिका अपार्टमेंट एक बिल्डिंग का नाम बताया जा रहा है, जहां पर छत से कूद पड़े। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।